Good morning, student. Here we discuss the direction of magnetic field. यानी कि हम लोग direction magnetic field का direction कैसे find out करते हैं इसके बारे में देखेंगे. मान लेते हैं कि कोई circular loop है, ये है. यही काम अगर आप यहाँ पे करें तो देखिए यहाँ पे इन हो गई है और यहाँ पे आउट, ऐसे. ठीक ना? तो जब आप इस तरीके का बनाते हैं तो इससे सो क्या होता है? इससे सो ये होता है कि ये जो हमारे ये उंगलियां हैं, ये जिस डायरेक्शन में होंगे उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, और जो साउथ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें इंटर करती है. तो ऐसे केसेस में अगर हम यहाँ की बात करें तो आपने क्या देखा इस वाले में? ये अब ये करंट इधर जा रही है, तो आपने ये रखा, ये अंगूठा इस पे रखा और ये आपकी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है. ये इसका मतलब ये जो है इसका इनवर्ड वाला जो पोर्शन है उधर नॉर्थ है, और ये जो अपर फेस इसका है वो साउथ है. यानी कि इससे ये शो हो गया कि जो अपर फेस है वो क्या है? साउथ पोल. साउथ पोल की तरह है, और जो इनर पोल का इनर फेस है, इनर फेस होगा वह क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा. तो याद रहे इस तरीके से हम लोग जो है डायरेक्शन, इसको हम लोग राइट हैंड रूल भी कहते हैं. इस डायरेक्शन ये जो आपका है और राइट हैंड थंब रूल, ये है. तो राइट हैंड थंब रूल आप लोग लिख सकते हैं, और इसके अनुसार जो है आप ये बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा. उसका नॉर्थ पोलैरिटी इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, इन सबको हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक ना? ओके, थैंक यू.